practicing gynecologist and IVF specialist since more than 15 years at Orchid Hospital and IVF Center, Surat. आज हम बात करेंगे, कमेंट बॉक्स में हमारा जो व्यूअर ने क्वेश्चन पूछा है कि उनकी उम्र है 24 इयर्स और उनको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, सफेद पानी जाता है, पेड़ों के भाग में दर्द हो रहा है, तो क्या यह कोई नॉर्मल चीज है या कोई चिंता करने की आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स, जब भी आपको एक्सेसिव वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, नॉर्मली वजाइना में से वाइट डिस्चार्ज होना नॉर्मल होता है। अगर आपके पीरियड्स शुरू होने के पहले ऐसा हो रहा है या तो आपका जो ओव्यूलेशन के नजदीक का जो समय है वह समय में आपको थोड़ा थिक डिस्चार्ज आने की संभावना हो सकती है, विच इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। लेकिन अगर यह जो डिस्चार्ज है वो बहुत ही हैवी है या तो इस डिस्चार्ज का जो कलर है येलो कलर है, ग्रीन कलर है, या तो स्टेन विद द ब्लड, और उसकी वजह से आपको प्राइवेट पार्ट्स में इचिंग हो रही है, पेड़ों के भाग में दर्द हो रहा है, पैर पानी पानी हो रहे हैं, वीकनेस जैसा फील हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, फीवरिश लगता है, थकान लगता है आपको, आपके जो रूटीन डाइट है, आपका जो फूड इनटेक है वो अगर कम हो गया है, आपको लो एनर्जी जैसे फील होता है, फटीग फील होता है, सो यह एक चिंता का विषय हो सकता है कि आपको बच्चेदानी का जो मुख है यानी कि सर्विक्स है वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है, और यह इन्फेक्शन धीरे धीरे करके यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब और आपका जो पेल्विस है वहाँ तक पहुँच सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसी कोई भी समस्या है तो आपको एक रूटीन गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर चेकअप करवाना बहुत ही आवश्यक है, और आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी बुक करवा सकते हैं ताकि हम और अच्छे से आपको इस विषय पे गाइड कर सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।